नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शुभम गुप्ता। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। ट्रंप ने कहा कोरोना को लेकर दो हफ्तों में देंगे खुशखबरी, करेंगे बड़ा ऐलान। गाजियाबाद राम मंदिर के लिए 22 किलो चांदी का चढ़ावा, 122 सराफा व्यापारियों ने किया अंशदान। यूपी में गोरखपुर में अपहरण के बाद 14 साल के बच्चे की हत्या, योगी बोले अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। मशहूर कथावाचक मुरारी बापू ने मंदिर निर्माण के लिए 5 करोड़ दान देने का किया ऐलान। पाकिस्तान ने लगातार 7वें दिन LOC पर किया सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। मुंबई पुलिस की पूछताछ पर महेश भट्ट ने किए कई खुलासे, बोले मैं खुद सुशांत सिंह राजपूत से मिलने गया था। कोरोना से ठीक होकर घर पहुंचे अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या और पोती आराध्या, बिग बी के छलके आंसू। UAE क्रिकेटर बोर्ड ने की पुष्टि, BCCI से IPL के आयोजन के लिए मिला लेटर ऑफ इंटेंट। BCCI अध्यक्ष के तौर पर आज खत्म हो रहा सौरभ गांगुली का कार्यकाल। MP में हायर सेकेंडरी 12वीं का रिजल्ट 68.81% रहा, पिछले साल के मुकाबले 3.56% कम। कॉमर्स का रिजल्ट 11% और आर्ट्स का 6% गिरा। भोपाल के लोकायुक्त की बहुत बड़ी कार्रवाई, जिसमें GSM के डॉक्टर लालवानी 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। UT फाइनल ईयर और PG फाइनल ईयर सेमेस्टर छात्र घर से दे सकेंगे परीक्षा। उत्तर प्रदेश को मिल सकता है तेंदुए स्टेट का दर्जा, बाघ दिवस पर जारी हो सकते हैं प्रदेश में तेंदुए की गणना के आंकड़े। नकुलनाथ के बयान पर नरोत्तम का तंज, युवाओं का नेतृत्व करेंगे नकुलनाथ, बुजुर्गों का करेंगे कमलनाथ, तो बाकी कांग्रेस रहेगी अनाथ। छतरपुर में दो बाइक सवारों को टक्कर मारकर कार पलटी, 3 बच्चे 2 महिलाओं समेत 8 की मौत। स्कूल के 50 मीटर दायरे में कोल्ड ड्रिंक चिप्स भटूरे बेचना होगा अपराध, जुर्माना या जेल की हो सकती है सजा। गूगल कर्मचारी जून 2021 तक वर्क फ्रॉम होम पर। राज्यपाल ने अर्जी फिर लौटाई, शर्त रखी 21 दिन का नोटिस दे तब सत्र की मंजूरी। भारत में बने 10 डीजल इंजन को भारत में बांग्लादेश को सौंपे। अभी कोरोना अपडेट की ओर, 44,955 नए संक्रमितों के साथ देश का कुल आंकड़ा पहुंचा 14,77,728, जिनमें कुल मौतें हुई 33,392, वहीं 9,47,307 मरीज ठीक हो चुके हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कुल आंकड़ा पहुंचा 28,953, जिनमें कुल मौतें हुई 820, साथ ही 19,791 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब बात करते हैं सिंगरौली जिले की, एक नए संक्रमित के साथ जिले का कुल आंकड़ा पहुंचा 84, वहीं 2 मौतें हुई और 28 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहे पोल खोल पोस्ट। अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और Facebook पे देख रहे हैं तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। ऑडियो आइटम जैसे माइक एम्पलीफायर स्पीकर साउंड सिस्टम वायरलेस और भी बहुत कुछ, साथ ही ऑथराइज्ड डीलर ऑफ आहूजा स्टूडियो मास्टर एंड JBL। आज ही हमसे कॉन्टेक्ट करें, हमारा पता है नियर गंगोत्री लॉज सिंगरौली, मोबाइल नंबर 9826822124। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।